बोलिए सच्चे दरबार की जय। आइए एक ऐसी रचना इस दरबार से कि जो आज हमारे बीच हो रहा है आपके बीच हो रहा है वही बात इस दरबार से कहने जा रहा हूँ। समझ में लगे कि मैंने सच कहा। जोरदार ताली लिखने वाले के लिए बजा दीजिए, मेरे गुरुदेव के लिए बजा दीजिएगा बहुत सच्चे दरबार की जय। आइए अजी पहली बात सुनिएगा। आज के इसी जमाने में गोदी के ललन बिक जाते हैं। आज के इसी जमाने में गोदी के ललन बिक जाते हैं। और मैं जिंदों की क्या बात करूं, इस कलयुग में मुर्दों के कफन भी बिक जाते हैं। एक और बड़ी बात, गीता बिक जाती है कुरान बिक जाता है। गीता बिक जाती है कुरान बिक जाता है। और मैं इंसानों की क्या बात करूं, यहां तो भगवान भी बिक जाता है। जो ऐसा कहते हैं कि मैं सब कुछ खरीद सकता हूं, उनके लिए चार लाइन सुन लीजिए कि ऐ पैसों के सेज पर सोने वालों की कब्र में सेज नहीं होती, इतना कमा कर कहां ले जाओगे, कफन में जेब नहीं होती। इसलिए जो कमाया है तूने, जो कमाया है मैंने, मैं सबकी बात नहीं कर रहा खुद की बात भी करूंगा सुनिएगा, जो कमाया है तूने, जो कमाया है मैंने, हो जो कमाया है तूने वो दूसरा ही खाएगा। के खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, ये सच्चाई है। जरा एक बार हाथ भाग कर, एक बार पूरे हाथ खड़े करके कम से कम इस सजना तक ताली जरूर होनी चाहिए। पूरे हाथ खोल कर आइए चलते हैं रिदम के साथ। 1 2 3 4 बोलिए सच्चे दोस्त मेरा साथ दे देता है, लेकिन सच्चाई सुनिए कि इस जीवन में कौन आपका साथ देता है, कब तक साथ देता है सुनिएगा। अजी बेटी साथ देती है कन्यादान तक, पत्नी साथ देती है मकान तक, दोस्त यार साथ देते हैं शमशान तक, बेटा अगर साथ देता है अग्निदान तक। इसलिए जब तलक ये सांसे है तब तलक ये रिश्ते है। हो, 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 जब तलक ये सांसे है तब तलक ये रिश्ते है। जब तलक ये सांसे है तब तलक ये रिश्ते है। सांस जिस घड़ी टूटी, सांस जिस घड़ी टूटी सब रिश्ता टूट जाएगा। सांस जिस घड़ी टूटी सब रिश्ता टूट जाए। क्योंकि थोड़ी ताली बजा दीजिए अच्छा लग रहा हो, एक ताली बजा दीजिए सुनिएगा। वक्त इंसान का सम्मान करा देता है, वक्त इंसान का
सम्मान करा देता है, वक्त इंसान का अपमान करा देता है। वक्त पढ़ने पर मैंने सही पहचाना कि वक्त ही इंसान का पहचान करा देता है, क्योंकि जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है, हर शख्स बुराई देता है, हम दर्द नहीं कोई अपना दुनिया में दिखाई देता है। ताली, क्योंकि जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है, हम दर्द नहीं कोई अपना दुनिया में दिखाई देता है। माँ बाप निकम्मा कहते हैं, बेटे भी आंख दिखाते हैं, भाई बंधु कुटुंब तबीले छूटे चक्के नाते हैं, दुनियादारी दिखलाने बस मरघट तक ही जाते हैं, कहते हैं कि रिश्ता दूर का है पानी तक नहीं पिलाते। ये सच्चाई है, तालियों के साथ पूरे हाथ खोल गए। इसलिए कौन कौन अपने माता पिता की इज्जत करते हैं, जरा हाथ उठाकर एक बार दिखा दीजिएगा, पूरे हाथ खोल कर बोलिए अपने माता पिता की, बोलो जन्म देने वाली की, जोरदार से करा बोलो अपने माता पिता की। क्योंकि दुख से बढ़कर कोई जंजीर नहीं होती, गम से बढ़कर कोई तीर नहीं होती, मंदिर मस्जिद में दुआ मांगने वालों, माँ बाप से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं होती। कई जगह देखा जाता है जो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, उनसे अगर आप पूछ दीजिएगा कि वैष्णो देवी जाते हो, बोल देगा साल में 5 बार जरूर चले जाते हैं, लेकिन घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती। उनसे पूछा जाए कि बाबा नगरी कभी गए हो, बोलेगा सावन में सबसे पहला जल हम ही चढ़ाते हैं, लेकिन घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती। उन बच्चों से प्रभु कहते हैं, हिंदू कहता है मंदिर में आ जाओ, मुसलमान कहता है मस्जिद में आ जाओ, सिख कहता है गुरुद्वारे में आ जाओ, ईसाई कहता है गिरजाघर में गिर जाओ, प्रभु कहते हैं ना इधर गिर जा ना उधर गिर जा, ना दाएं गिर जा ना बाएं गिर जा, तुझे गिरने का शौक लगा है, जिसने जन्म दिया है पहले उसके कदमों में गिर जा। इसलिए कर्म जो कमाया है, कर्म जो कमाया है, वही साथ जाएगा, कर्म जो कमाया है वही साथ जाएगा, कि मुट्ठी बांध आया था हाथ पसार जाएगा, मुट्ठी बांध आया था हाथ पसार जाएगा, खाली हाथ आया था और खाली हाथ, जो देख रहे थे कभी देखा ही नहीं था, जो सोच रहे थे कभी सोचा ही नहीं था, दिया जाने वाले याद आने वाले, याद आने वाले, याद आने वाले। अगर मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो माफी चाहूंगा आप लोगों से। अच्छा लगा, एक जोरदार तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। आइए मैं आपसे विदा लेता हूँ, हमारे बड़े भैया डब्ल्यू भैया।